गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो में बात करने वाले हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आउट हुई नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के बारे में। देखिए, बहुत डिसिप्लिन्स में कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे साइंस डोमेन्स में लगाओ या फिर कॉमर्स में, इंजीनियरिंग डोमेन में, ह्यूमैनिटीज़ में, एंड सबको वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है। और ऐसा नहीं है कि कुछ अगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ इंजीनियरिंग या साइंस डोमेन के कैंडिडेट्स के लिए ही वैकेंसीज निकालते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आउट होती हैं। अब बहुत क्वेश्चंस होते हैं कैंडिडेट्स के कि MBA किया हुआ है, BSc की हुई है, कोई जॉब वैकेंसीज हैं जिसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ, गवर्नमेंट पोस्ट निकलती ही हैं। और आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशंस हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, आपने ग्रेजुएशन की है, डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर आप साइंस डोमेन से हैं, या फिर ह्यूमैनिटीज़ डोमेन से हैं, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, MBA किया हुआ है, तो आप इन नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI पास हैं, कर सकते हैं अप्लाई इन पोजीशंस के लिए, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में 100+ वैकेंसीज़ है, 106 वैकेंसीज़ हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से जो कि आउट की गई हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली गो थ्रू कीजिएगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि किस टाइप की वैकेंसीज़ आउट होती हैं, एंड जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हो वो अप्लाई कर सकें इन पोजीशंस के लिए। वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही बहुत सारी जॉब नोटिफिकेशन हैं वो मिलती रहें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक हैं, वो प्रोवाइड किए गए हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर देखिए कोई भी कैंडिडेट है, किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन के लिए या प्राइवेट पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिटर्न एग्जाम है या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन है, सर्विसेज चलती हैं योरपीडिया की, आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी फॉर्म भी है, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी हमने प्रोवाइड किया है ताकि आप गाइडेंस ले सकें। अब इंटरव्यूज़ के लिए प्रॉपरली हम स्नैप इंटरव्यूज़, मॉक इंटरव्यूज़, टेक्निकल मेंटर्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, एंड येस, रिटर्न एग्जाम के लिए प्रॉपर क्लासेज होते हैं, कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हो सकें। करियर गाइडेंस चाहिए कि येस मैम पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है, किस डोमेन में मैं जा सकता हूँ, कौन कौन से वैकेंसीज जो आउट होती हैं, करियर गाइडेंस के लिए भी फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें ही हैं, उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं योरपीडिया को। हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कॉन्टैक्ट करूँ या ना करूँ, आप सिंपली कॉल कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज व्हाट्सएप में, डेफिनेटली आपको कॉल आ जाएगी। तो अभी के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आउट हुई वैकेंसीज के बारे में, लेकिन हेजिटेट कभी नहीं करना है कॉन्टैक्ट करने के लिए। यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव के पोजीशंस हैं वो आउट की गई हैं, डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन वैकेंसीज को। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से ही वैकेंसीज आउट की गई हैं। फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि जो ये वैकेंसीज हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पोजीशंस हैं जो कि यहाँ पर आउट की गई हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पोजीशन रहेंगी यहाँ पर जिसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। स्क्रीन पे ज़रूर फोकस कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर देखिए जो सैलरी पैकेज है या फिर जो एज लिमिट है वो क्लियरली मेंशन की गई है, कितनी वैकेंसीज यहाँ रहेंगी एंड किस डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज को आउट किया गया, क्या पोस्ट है, सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसीज को आउट किया गया है। अपर एज लिमिट पर आप फोकस कर सकते हैं, 36 ईयर वैसे मैक्सिमम अपर एज लिमिट है इन वैकेंसीज में। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, पेंटर की यहाँ पर, ड्राइवर की, कुक, प्लम्बर की वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं, इवन कीपर की भी। 106 टोटल पोजीशंस हैं जो कि यहाँ पर आउट की गई हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई हैं, इन पर ज़रूर फोकस कीजिएगा, बिकॉज देखिए जहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हर पोस्ट के लिए डिफरेंट है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है सोशियोलॉजी से, या फिर आपने बैचलर्स इन सोशल वर्क की हुई है, या फिर आपने मैनेजमेंट से डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट की हुई है, लॉ किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए जो कि मेंशन किया गया है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, एंड डिजायरेबल यानी कि कितना जो इन डिसिप्लिन से होंगे उन पर ज़्यादा मेनली फोकस किया जाएगा, वो डिजायरेबल रहेंगे कैंडिडेट्स, उनको प्रेफरेंस दी जाएंगी पहले। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, चाहे आप किसी भी डोमेन से, हर तरीके से बताया गया यहाँ पर। ग्रेजुएशन की आपने हिंदी या फिर इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहा है, या फिर ऑप्शनल आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है 1 ईयर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है। या फिर अगर मास्टर्स की है, प्रेफरेंस यहाँ पर कैंडिडेट्स को दी जाएंगी, एंड जॉब एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़रूर रिक्वायर्ड रहेगा इन पोजीशंस के लिए। वैसे ही यहाँ पर हर एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन की है हर एक पोस्ट की,
डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं या साइंस डोमेन से हैं, कर सकते हैं आप अप्लाइंग पोजीशंस के लिए. यहाँ पर डिज़ायरेबल बताया गया है कोंकणी या मराठी जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश के साथ, वो भी यहाँ पर डिज़ायरेबल रहेगी कैंडिडेट्स की. तो इसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स. यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो अप्लाई करेंगे. देखिए जो ये वैकेंसीज है ना टेक्निकल असिस्टेंट की, इसमें क्या है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक प्लस डिप्लोमा की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर बीटेक की है या बैचलर्स इन इंजीनियरिंग की है तो आप अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते हैं. ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, मैं नीचे आपको दिखाऊंगी नोटिफिकेशन में. क्लियर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताई गई है टेक्निकल असिस्टेंट की जो ये पोस्ट है उनके बारे में. फिक्स टर्म की पोस्ट है, 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 2 ईयर्स और एक्सटेंड हो जाएगा एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट. तो यहाँ पर 3 से 5 ईयर्स तक का आप कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लेकर चल सकते हैं. गवर्नमेंट पोस्ट है, इवन ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यही मेंशन है. अब पेंटर की वैकेंसीज है, 10th पास यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए. कोई ग्रेजुएशन या डिग्री रिक्वायर्ड नहीं रहेगी आपकी. 10th क्लास पास आउट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट्स के पास इन गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए. 106 वैकेंसीज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसीज आउट की गई हैं. गवर्नमेंट पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पोजीशंस रहेंगी, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं. अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन के जो बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक डिसिप्लिन में होना इंपॉर्टेंट है. अब टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन के लिए डिप्लोमा के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बीटेक कर चुके हैं और डिप्लोमा नहीं है वो अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते इस पोजीशन के लिए. डिप्लोमा रिक्वायर्ड रहेगा टेक्निकल पोजीशंस के लिए. रिजर्वेशंस रहेगी एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, यहाँ पर रिजर्वेशन डेफिनेटली दी जाएंगी. एससी एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन 56 ईयर से ज़्यादा की एज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए. सिलेक्शन प्रोसेस, अब सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा. कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ इसके बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा इन पोजीशंस के लिए. जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है स्किल टेस्ट का, रिटन टेस्ट का, यहाँ पे पोजीशंस के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है. पोस्टिंग हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पोस्टिंग होगी. 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट, 2 ईयर्स और एक्सटेंड यहाँ पर हो सकता है इन कैंडिडेट्स के लिए. एंड गेस जो एडवांस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है आफ्टर अप्रेंटिसशिप वो यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा नॉन एग्जीक्यूटिव की जो ये पोजीशंस यहाँ पर निकाली हैं. 200 की एप्लीकेशन फीस, लेकिन अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं रहेगी उन कैंडिडेट्स के लिए. यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए. देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं बताई गई हैं, अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं, NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा अप्लाई करने के लिए. करियर अब क्या करना क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना है क्योंकि रिटन टेस्ट यहाँ पर रहेंगे. तो आप अप्लाई करेंगे, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर अप्लाई करेंगे. एप्लीकेशन जो डिटेल्स हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ताकि कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकें. अब कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी. लेकिन पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनसे आप गो थ्रू कर लीजिए इस नोटिफिकेशन में जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई हैं. 200 की फीस है, एप्लीकेशन फीस रहेगी, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ कैंडिडेट्स को अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. अब इम्पॉर्टेंट डेट्स वो यहाँ पर है 27 मार्च, 28 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं. 16 पेजेस की ये फुल नोटिफिकेशन है जिसे आपने यहाँ पर गो थ्रू कर लिया है. ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई कीजिए. ऑफिशियल वेबसाइट का जो एप्लीकेशन लिंक है वो प्रोवाइड करूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो अप्लाई करते हुए. अप्लाई कीजिए, ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन. एंड येस, रिटन एग्जाम हो, इंटरव्यू हो या फिर करियर गाइडेंस हो कि आप अपने स्पेसिफिक डिसिप्लिन में हैं और कौन कौन सी जॉब वैकेंसीज आपके लिए हैं, अगर आपको काउंसलिंग चाहिए एंड गाइडेंस चाहिए कंटैक्ट कर सकते हैं योरपीडिया को. फिल आउट कर दीजिए इंक्वायरी फॉर्म एंड गेस्ट, या फिर आप कंटैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, फोन नंबर भी प्रोवाइड किए गए हैं. ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशंस, थैंक यू.